नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लॉ सीखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में, जहां पर हम द इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू प्रमुख न्यूज़पेपर के प्रमुख जो आर्टिकल है, संपादकीय है, एडिटोरियल्स है, उनके बारे में चर्चा करते हैं और जो प्रमुख समाचार होते हैं उनके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। तो चलिए, आज हम किन आर्टिकल्स के बारे में बात करना वाले हैं, उन आर्टिकल्स के बारे में जान लेते हैं। जो पहला आर्टिकल है, कोविड-19 एक साल से ज़्यादा हो चुका है, लॉकडाउन, कई लॉकडाउन के अलग अलग फेसेस देख लिए, अनलॉक देख लिया, वापस लॉकडाउन आ गया, पहली वेव हो गई, सेकेंड वेव हो गई, हमारे हेल्थ केयर सिस्टम को कोलैप्स होते हुए देख लिया हमने। इन सारे इंस्टेंसेस में बात आती है सरकार की, गवर्नमेंट की, कि किस प्रकार से सरकार ने अपना शासन किया है। हमें कहते तो है कि हम देश में गुड गवर्नेंस डे बनाते हैं, सुशासन दिवस बनाते हैं, लेकिन कुशासन हमें देखने को मिला है। इसी कुछ उदाहरण देकर इस आर्टिकल में बताया गया है कि कौन कौन से बड़े बड़े कुशासन के उदाहरण कौन से रहे हैं, कौन से ऐसे वाक्य रहे हैं जहां पर हम सुधार कर सकते थे। ये कुशासन जो है, ये हमारे गवर्नेंस के लिए, हमारे शासन व्यवस्था के लिए, हमारे लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा धब्बा बना रहेगा। ये दौर चल ही रहा है तो इनमें इन उदाहरणों की बात करेंगे हम, एक विस्तृत चर्चा करेंगे। उसके बाद में न्यूज़ इन फ्लैश है, जिनमें हम उन महत्वपूर्ण समाचारों के बारे में चर्चा करते हैं जो कि आपके और हमारे लिए जानना ज़रूरी है, जो आपके हमारे नॉलेज को, हमारे ज्ञान को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं, मजबूत करते हैं। तो चलिए, मैं आज का जो विषय है वो चालू करूँ, उससे पहले मैं अपने आप का परिचय करवाना चाहूँगा। मैं खुशवंत पवार, बॉम्बे हाईकोर्ट में मैं अधिवक्ता के रूप में काम करता हूँ, साथ ही साथ लॉ सीखो के साथ में भी मैं एक लंबे वक्त से जुड़ा हुआ हूँ। आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं ट्विटर पे @खुशपवार, या लिंक्डइन पर भी आप मुझे ढूंढ सकते हैं खुशवंत पवार सर्च करके, तो हम वहाँ पर भी कनेक्ट हो सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है, कोई डाउट रहता है, तो आप मुझे सीधे मैसेज करके भी वहाँ पर पूछ सकते हैं। तो चलिए, आज का MCQ देखते हुए यह है कि एसेंशियल ड्रग प्राइसेस, जो ज़रूरी ड्रग्स होते हैं उनके जो मूल्य होते हैं, वो निम्न में से कौन सी अथॉरिटी रेगुलेट करती है। आपको ऑप्शन ए है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। ऑप्शन बी है, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। ऑप्शन सी है, द नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी। या ऑप्शन डी, DCGI, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। जो भी आपका उत्तर हो, कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा। वर्णनात्मक प्रश्न की ओर आते हैं, वह यह है कि महामारी ने हमारे सामने कुछ ऐसी चीजें रख दी है जो हमें ऐसे सामान्य रूप से देखने को नहीं मिलती हमारे शासन और लोकतंत्र के बारे में। तो इन पर आपको एक विस्तृत चर्चा करते हुए 250 शब्दों में आपका उत्तर लिखना है। चलिए, जो हमारा पहला आर्टिकल है, मिस गवर्नेंस ड्यूरिंग द पेंडेमिक, कुशासन देखने को मिला है महामारी के इस दौर में, इस आर्टिकल में बताया गया है। ऐसे बहुत से वाक्य रहे कोविड-19 में जहां पर हमें कुशासन के बहुत बड़े बड़े उदाहरण देखने को मिलते हैं। ये कौन से वाक्य, कौन से उदाहरण है, वो हम जानेंगे। सबसे पहली बात की गई है लॉकडाउन की, जो कि अपने आप में बहुत लंबा और एक अमानवीय लॉकडाउन माना गया है। जो इसका उद्देश्य था लॉकडाउन का, ये अपने आप में अचीव ही नहीं हुआ। लॉकडाउन के लिए हमने जिस तरीके से लॉकडाउन लाएंगे कि यहाँ पर लोगों को हमने आइसोलेट करा, क्योंकि हमारे पास में हेल्थ केयर सिस्टम इतना तैयार नहीं था। तो लॉकडाउन का मेन उद्देश्य तो ये माना गया कि कम से कम हमारा हेल्थ केयर सिस्टम उतना मजबूत कर सके, उसके पैरों पे खड़ा कर सके और तैयारी कर सके। लेकिन पहली वेव में तो हमने कैसे बमुश्किल स्थिति को संभाल लिया, लेकिन सेकेंड वेव जिस तरीके से आई है, सेकेंड लहर जिस तरीके से आई कोरोना वायरस की, हम बिल्कुल इसे संभाल ही नहीं पाए। उसके अलावा यहाँ पर हमने जिस कानूनों की सहायता ली लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए, पेंडेमिक की स्थिति संभालने के लिए, वो एक्ट है एपिडेमिक डिजीज एक्ट, ब्रिटिश कालीन कानून है। करीब अगर हम देखें तो ये हमें आज की सदी का कानून नहीं है, ये औपनिवेशिक काल में लोगों को दबाने के लिए, उनकी आवाज़ दबाने के लिए उस टाइम पर, जो उस समय पर जो कानून लाए गए थे, उन्हीं में से ये एक कानून है। तो यहां पे 15 महीने का एक लंबा समय बीत चुका है, लेकिन हम एक भी ऐसा लीगल फ्रेमवर्क नहीं लेकर आ पाए, हम कोई कानून नहीं ले पाए। ऐसा नहीं है कि पार्लियामेंट में कोई सिटिंग नहीं हुई, पार्लियामेंट में सिटिंग हुई, ऑर्डिनेंसेस
ऑर्डिनेंस के माध्यम से भी आप कोई भी कानून ला सकते हैं, अध्यादेश के माध्यम से, वो भी आप नहीं ला पाए। तो यहाँ पर क्या जरूरत है कि जो ब्रिटिश कानून, जो एक दमनकारी कानून है, उसको आप फॉलो कर पाए हैं। तो यहाँ पर ये एक और कुशासन का उदाहरण है कि आप अपना कोई लीगल फ्रेमवर्क भी नहीं दे पाए। उसके अलावा अगर हम देखें तो बजट अनाउंस हुआ, बजट में ठीक है हेल्थ केयर सेक्टर जो है उसको ज़्यादा बजट अलॉकेट किया गया, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। ये खुले तौर से हमें अभी देखने को मिलता है। इकोनॉमिक सेफ्टी की बात नहीं गई, रिलीफ की बात नहीं गई, 20,000 करोड़ का आत्मनिर्भर पैकेज भी अनाउंस किया गया, लेकिन इफेक्टिवली हमें वो देखने को नहीं मिला। तो यहाँ पर बताया गया है कि मिसलीडिंग नंबर्स दिए गए और अननेसेसरीली गैर जरूरी रूप से इसको केंद्रीकरण इसका करा गया। हमारा एक ऐसा देश है विभिन्न, यूनियन ऑफ इंडिया हम कहते हैं, कि अलग अलग हिस्सों को बना के हमारा देश एक पूर्ण बना है। कितनी विविधता है हमारे देश में। आप चीज़ों को इस तरीके से सेंट्रलाइज नहीं कर सकते, आपको उनको डिसेंट्रलाइज, विकेंद्रीकरण उनका करना जरूरी होता है। उसके अलावा वैक्सीनेशन की बात करें, एक में से बात की गई कि वैक्सीनेशन सबको मिलेगा, 18 वर्ष से अधिक की आयु वाले जितने भी लोग हैं सबको वैक्सीनेशन मिलेगा। लेकिन आज की स्थिति देखें तो उदाहरण के लिए पिछले 2-3 दिन में हमको सबसे ज़्यादा फैटलिटीज जो है, सबसे ज़्यादा यहाँ पर मृत्यु जो है, वो मुंबई जैसे शहर में देखने को मिली। लेकिन यहाँ पर ये खबर मिलती है राज्य सरकार की तरफ से कि 2-3 दिन यहाँ पे आपके मैक्सिमम वैक्सीनेशन सेंटर्स जो रहेंगे वो बंद रहेंगे। कई राज्य ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हमारा अभी तक जो सेकेंड फेज है वैक्सीनेशन का, वो जब तक कंप्लीट नहीं होता तब तक हम थर्ड फेज नहीं चालू करेंगे। मतलब जो 45 वर्ष से अधिक के जो लोग हैं उनको ही अभी तक वैक्सीन नहीं मिली, तो हम दूसरों को कैसे वैक्सीन कर पाएंगे। उसके अलावा हमको ये भी देखने को मिलता है, कल जैसे हमने एक आर्टिकल में चर्चा करी कि डिफरेंट प्राइजिंग है, यहाँ पे अलग अलग दर तय की गई है। तो इसके पीछे क्या उद्देश्य है और सरकार क्यों इसको अपने आप में, इस मल्टी लेयर्ड प्राइसिंग पॉलिसी को क्यों सॉल्व करने के लिए या सरल सिंपल बनाने के लिए सक्षम नहीं है, ये भी एक बड़ा, बहुत बड़ा प्रश्न है। कुशासन का एक बहुत बड़ा उदाहरण है मिस गवर्नेंस का। उसके अलावा नो इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, ये बात तो हमें माननी पड़ेंगी कि आपने एलोकेशन करा कि हाँ इतना फंड रहेगा, ऑक्सीजन यहाँ पर प्लांट्स बनाने की बात की गई, लेकिन धरातल में ग्राउंड रियलिटी में नहीं हमें देखने को मिले। पेपर्स पे हमें बिल्कुल बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली। तो ये भी बताया गया है कि जो हमारा स्वास्थ्य आधारभूत ढांचा है उसे भी हम इम्प्रूव करने के लिए, उसे भी हम अच्छा बनाने के लिए सफल नहीं रहे। भोपाल में कुछ दिनों पहले मैंने न्यूज़ पढ़ी, इसी हफ्ते की बात है, कि वहाँ पे जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पर जो ट्रेनों की बुगीज है उसे आइसोलेशन सेंटर बनाया गया। देखने में तो बड़ा अच्छा लगता है कि हम रिसोर्सेज का कैसा इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ये टेम्परेरी है अपने आप में। ये आपको समझना पड़ेगा, ये हमारी सरकारों को समझना पड़ेगा। अपने आप में ये बहुत अच्छा पीआर स्टंट्स तो दिखता है कि ठीक है हम देखो कितने फटाक से जो रिसोर्सेस है, जुगाड़ पद्धति जो कहते हैं हिंदुस्तान जिसके लिए फेमस है, हमने आइसोलेशन सेंटर्स तो बना लिए, लेकिन क्या इसने हमारे सच में हेल्थ केयर सिस्टम, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाया? तो उत्तर है नहीं। आपको हॉस्पिटल्स की स्थिति सुधारने की जरूरत थी, बेड्स बढ़ाने की आवश्यकता थी, हॉस्पिटल्स का नंबर्स बढ़ाने की आवश्यकता थी, युद्ध स्तर पे काम करने की आवश्यकता थी, लेकिन वो सब हमें देखने को नहीं मिला। उसके अलावा कुछ ऐसे डिस्ट्रैक्शंस भी बताए गए कि लोगों का ध्यान भटकाने के लिए कुछ बड़े अच्छे अच्छे टर्म्स कॉइन किए गए, बड़ी अच्छी अच्छी स्कीम्स की बात की गई, पीएम केयर्स की बात की गई कि देश को आपकी आवश्यकता है आप डोनेट करिए पीएम केयर्स में। लेकिन पीएम केयर्स का जब मुद्दा उठा पार्लियामेंट में, कोर्ट में, तो कहा गया कि नहीं ये तो आरटीआई के अंदर नहीं आता है, ये तो सूचना के अधिकार में नहीं आता है। तो मैंने और आपने जो पैसा यहाँ पर दिया है इस फंड में, तो इसका इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है, इसकी जानकारी होनी जरूरी होती है कि किस प्रकार से किया जा रहा है। चलो हमको नहीं भी जानकारी हुई है तो इफेक्टिवली हमें ये दिखना तो चाहिए ग्राउंड पे, लेकिन वो भी नहीं देखने को मिलता है हमें। उसके अलावा आत्मनिर्भर भारत की बात की गई, अपने आप में बड़ा विषय रहा ये चर्चा का कि आत्मनिर्भर भारत का ऐसा हमारा उद्देश्य होना चाहिए, सेल्फ रिलायंट इंडिया बनाना चाहिए, सेल्फ रिलायंट डिस्ट्रिक्ट राज्य होने चाहिए। लेकिन राइटर यहाँ पे बता रहे हैं कि आर्थिक जो मंदी है उससे ध्यान भटकाने के लिए ये टर्म कॉइन किया गया और कुछ नहीं था। उसके अलावा पोस्ट लॉकडाउन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ COVID-19 वॉज डम्प्ड टू द स्टेट्स। लॉकडाउन खत्म होने के बाद में जब अनलॉक की प्रक्रिया चालू हुई तो यहाँ पर, या अभी जो सेकेंड वेव चल रही है, तो यहाँ पर
केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में एक ब्लेम गेम चालू हो गया है कि ये कह रहे हैं, केंद्र कह रही है कि नहीं राज्यों की जिम्मेदारी है, राज्य कह रहे हैं नहीं केंद्र की जिम्मेदारी है, केंद्र हमको संसाधन नहीं दे रहा है, रिसोर्सेस नहीं दे रहा है। तो अपने आप में ब्लेम गेम यहाँ पर ये बन गया है। समस्या का निदान क्या होना चाहिए, सॉल्यूशन की ओर किसका ध्यान नहीं है, सिर्फ एक दूसरे पे दोषारोपण शुरू है। और लास्ट रिसोर्ट जो है वो तो बड़ी समस्या देखने को मिले, जब हमारा सोशल मीडिया व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यहाँ तक लिंक्डइन, ट्विटर जैसे आप माध्यम देखते हो, तो यहाँ पर लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं संसाधनों के लिए, मांग कर रहे हैं, इसी से पटा भरा है हमारा पूरा सोशल मीडिया। किसी को ऑक्सीजन चाहिए, किसी को बेड चाहिए, किसी को दवाइयाँ चाहिए। और इस स्थिति में यूपी में ये एक इंस्टेंस देखने को मिला है कि जिस व्यक्ति ने ऑक्सीजन की डिमांड करी तो यहां पर गवर्नमेंट ने उसे ही पेनलाइज कर लिया, प्रॉपर्टी सीज की जा रही है, सिटीजन्स को पेनलाइज किया जा रहा है, सजा दी जा रही है, पॉलिटिकल अपोनेंट्स को दबाया जा रहा है, उनके आवाजों को दबाया जा रहा है। तो ये तो कहीं सुशासन नहीं कहलाता, इसे तो हम कुशासन की ही उदाहरण में मानेंगे। ये इस आर्टिकल में अंतिम चीज कही गई है। लॉकडाउन की बात की गई थी हमने, लॉकडाउन में अगर हम जाने तो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा लंबा और सबसे ज्यादा लोगों को लॉकडाउन में रखने वाला जो कोरोना वायरस लॉकडाउन हमें देखने को मिला, लोगों को घरों में रखने वाला, ये भारत में देखने को मिला। 130 करोड़ लोग भारत में यहाँ पर लॉकडाउन में थे। वही हम चीन जैसे देश में देखे जहाँ सबसे ज्यादा आबादी है, तो यहाँ केवल 760 मिलियन पीपल ही लॉकडाउन में रहे। फिर यूएस की बात आती है जहाँ नंबर और कम है, बांग्लादेश में और कम है। तो ऐसे कई देश हैं जहां पर लॉकडाउन तो लगा, लेकिन भारत जैसा कठोर लॉकडाउन देखने को नहीं मिला, या इतने ज्यादा लोगों को लॉकडाउन में रखने, घरों में रखने वाला लॉकडाउन नहीं हमें देखने को मिला। चलिए आर्टिकल की बात हो गई, न्यूज इन फ्लैश पे आते हैं। यहां पर तियान है को लॉन्च किया गया। क्या है ये तियान है? तियान है एक परमानेंट स्पेस स्टेशन है, चीन की तरफ से ये पहला परमानेंट स्पेस स्टेशन है, स्थायी स्पेस स्टेशन है जो कि अंतरिक्ष में रहेगा। यहाँ पर इसे वेन चेंग लॉन्च सेंटर से लॉन्च किया गया, जो है में स्थित है, एक आइलैंड है, सदर्न आइलैंड है चीन का। तो यहाँ पर अपने आप में ये उन 11 मिशन में से है जो कि कंप्लीट होने चाहिए 2022 तक, ये जो एक चीन ने लक्ष्य रखा गया है। दूसरी खबर जो है ये भी अंतरिक्ष के बारे में है। अपोलो 11 स्पेसक्राफ्ट कोलंबिया के जो पायलट थे माइकल कॉलिंस, इनका हाल ही में देहांत हो गया है। इसी अपोलो 11 स्पेसक्राफ्ट कोलंबिया को में नील आर्मस्ट्रांग और बस एल्ड्रिन, ये पहले मनुष्य थे जिन्हें चांद पर ये स्पेसक्राफ्ट ले गया था। तो 90 वर्ष की आयु में कॉलिंस का देहांत हो गया है। इनकी ऑटोबायोग्राफी भी है, अगर आप पढ़ना चाहें तो ले सकते हैं, अमेजोन से मंगा सकते हैं, अमेजन, फ्लिपकार्ट, आजकल ऑनलाइन डिलीवरी तो शुरू ही है। तो कैरिंग द फायर इनकी ऑटोबायोग्राफी है, महत्वपूर्ण नाम है, बहुत अच्छी इंस्पायरिंग ऑटोग्राफी है, तो ज़रूर पढ़िएगा। चलिए आज का हमारा विश्लेषण यही समाप्त होता है। मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। अधिक जानकारी के लिए आप लॉसिको की वेबसाइट www.lossico.com विजिट कर सकते हैं। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड टू लॉसिको।